दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे IOTX कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में। करंटली कॉइन 0.035 यूएसडीटी से ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा खासा करेक्शन, एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के अंदर वापस से कॉइन हमें देखने को मिल रहा है और एक अच्छी अपोजिटिव वापस से इस कॉइन का निकल के आ रही है। जो लोग इस कॉइन को बाई करना चाहते हैं, जो लोग इस कॉइन में एंट्री देख रहे हैं प्रीवियसली, जिन लोगों ने एंट्री मिस कर दी है, उनके लिए यहाँ पर हम बात करेंगे कौन सा आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं, कहाँ पर आपको इस कॉइन में एंट्री लेनी है और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के परस्पेक्टिव से आप किन एरियाज पर नज़रें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करें इस वीडियो के अंदर। उससे पहले, अगर आपने अभी तक कॉइन D6 ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कॉइन D6 ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें मिल रहा है 100 रुपीज़ का BTC एज ए साइन अप बोनस और आप अपने दोस्तों को रेफर करके पर रेफरल 100 रुपीज़ का BTC अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से डाउनलोड करेंगे तभी आपको साइन अप बोनस देखने को मिलेगा। करंटली कॉइन 0.035 पर ट्रेड कर रहा है। थर्ड ऑफ अगस्त को मैंने आपको एंट्री पॉइंट शेयर किए थे जो कि ऑलमोस्ट 3 सेंट के अराउंड में थे और वहाँ से टारगेट्स भी मैंने आपको बताए थे। और अगर डेली के अंदर अगर बात करें तो अभी 2 दिन पहले इसने 0.042 वाला एरिया टच किया और यहाँ पर इन एरियाज पर मैंने आपको एंट्री शेयर की थी और ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बताया था 0.038 और सेकंड था 0.042, 50 और 50 के पार्ट में सेल आउट बताया था। आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं और जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं 5-6 महीने से या फिर पिछले डाउन ट्रेंड से, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। और आपने भी जिन लोगों ने एंट्री ली होगी वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने एंट्री ली है उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। आप देख सकते हैं 3 दिन पहले इसने 42 वाला एरिया टच किया और वो वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसी टाइप से आपको रेगुलर प्रॉफिट यहाँ पर, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने एज अ ट्रेडर सेल आउट की, अच्छी बात है, नहीं किया उनको पोर्टफोलियो अभी भी प्रॉफिट के अंदर होगा। अब यहाँ से देखिए, डेली का चार्ट है, 2 दिनों से स्ट्रॉन्ग रेट के अंदर हमें देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पर इसमें अगर ओवरऑल बॉटम से देखें तो अच्छी रिकवरी है, 50% से ज़्यादा की रिकवरी इस कॉइन के अंदर अभी करंट प्राइस तक हो चुकी है। और 42 की अगर बात करें तो वहाँ तक 90% की रिकवरी ये कॉइन कर चुका है। अब यहाँ से देखिए, इसमें ओवरऑल जो चार्ट पैटर्न है डेली के अंदर वो हायर लोस चार्ट पैटर्न है, जो कि ओवरऑल बुलिश सिग्नल शो कर रहा है। अब यहाँ से अगर देखें तो जो सपोर्ट एरिया की अगर बात करें तो 0.0312 वाला एरिया इसको सपोर्ट एरिया और 0.038 वाला रेजिस्टेंस एरिया ऊपर की तरफ। तो 3/8 वाले एरिया से इसको प्रीवियस रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा था और 3 दिन पहले इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ जिसमें इसने उस एरिया को ब्रेक कर दिया, लेकिन उस ऊपर की तरफ इसको 0.0043 वाला एरिया जो है, 4.8 वाला एरिया रेजिस्टेंस एरिया है जिसको इसने ट्राई नहीं किया, लेकिन अपने 3.8 वाले एरिया को भी ये होल्ड नहीं कर पाया। 3.8 जो सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया था प्रीवियसली, इसको ब्रेक करके ऊपर गया लेकिन इसको होल्ड नहीं कर पाया। एक दिन होल्ड किया लेकिन डोजी बनी डेली के अंदर और वहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला और हैवी फॉल देखने को मिला। लेकिन अब यहाँ पर जो इसका होल्डिंग एरिया है वो यहाँ से हम देख सकते हैं, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था 3132 वाला एरिया, तो इसकी प्राइस हमें मैक्सिमम 32 तक देखने को मिल सकती है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि जो प्रीवियस एरियाज थे वहाँ पर हमें एंट्री मिल जाएगी वापस से, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़े बहुत करेक्शन के अंदर हमें या फिर हेवी फॉल अगर देखने को मिलता है, कुछ चीज़ें मार्केट के अंदर बिगड़ती है, तो फिर प्राइस इसकी हमें अंडर 3 सेंट भी 2.8 तक भी देखने को मिल सकती है। लेकिन करेंटली जो लोग एंट्री देख रहे हैं, जो लोग एंट्री लेना चाहते हैं एज अ ट्रेडर या शॉर्ट टर्म के अंदर, फर्स्ट एंट्री आपको 0.0034 से नीचे ही लेनी है। अभी 351 पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से 5% ऑलमोस्ट 4-5% का करेक्शन और हम एक्सपेक्ट करते हैं। कितना करेक्शन और हो, 4 आवर में भी देखें तो 336 इसने प्रीवियस बॉटम टच किया था, 3121 वाला बॉटम टच किया था। तो ये जो एरिया है, इन एरियाज को ये वापस, ये वाला एरिया ऑलमोस्ट ये ट्राई कर सकता है। 4 आवर में अगर देखें तो हैवी फॉल है यहाँ पर भी, तो 9:30 तक या फिर नाइट के टाइम में ये 3-4 से नीचे आपको आराम से दिख जाएगा। BTC जिस टाइप से करंट एरिया पर है, 23 तक आ जाता है अगर BTC, तो अच्छी बात है, हमें जो है 3-4 पर अच्छी एंट्री मिल जाएगी। तो 3-4 पर आपको 70% पार्ट से एंट्री लेनी है। उसके बाद इसको 0.0312 वाला सपोर्ट एरिया डेली के अंदर, तो अगर ये 3-1 को ट्राई करता है, कुछ सिचुएशन अगर थोड़ी बहुत और बिगड़ती है, 5-7% और अगर ये कॉइन टूटता है, तो बाकी पार्ट हमें 30% पार्ट से एंट्री हमें 3-1 वाले एरिया पर लेनी है।
दो पार्ट में आपको प्रॉपर एंट्री लेनी 70-30 के रेशो में, उससे पहले एंट्री नहीं लेनी, जल्दीबाजी नहीं करनी है। जल्दीबाजी अगर करेंगे ऊपर की तरफ ट्रेप हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फोर्स एंड पर इस कॉइन को बाई कर लिया हुआ जब एक अच्छा मोमेंट हुआ, या फिर प्रीवियस जो डाउन ट्रेंड था उससे पहले बहुत सारे लोग बाई करके बैठे हुए हैं। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से आपको 3-4 से नीचे ये कॉइन मिल जाएगा। 3-1 वाला एरिया बाई चांस अगर हिट नहीं भी करता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा पैसा वॉलेट में है, सेफ है, उस पैसे को नहीं लगाना है। सेकंड टारगेट हिट होता है अच्छी बात है, नहीं तो दूसरे अच्छे कॉइन्स हम रेगुलर बेसिस पर चैनल पर शेयर करते हैं उसमें आप वो अमाउंट लगा दीजिएगा, लेकिन वो 3-4 दिन तक आप 3-4 दिन का वेट कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए। अब यहाँ से जब भी ब्रेकआउट होगा, जब भी एक अच्छा मोमेंट होगा, तो फर्स्ट टारगेट आपका 0.041 से लेके 42 वाला रहेगा। देखिए इसने 42 को नॉर्मली ट्राई किया है, अब जब भी प्राइस जाएगी तो वो 42 को तो नॉर्मली हिट करेगी करेगी, 43-44 तक भी चली जा सकती है आराम से। तो एज अ ट्रेडर जो लोग एंट्री लेंगे उनके लिए फर्स्ट टारगेट 0.042 और सेकंड टारगेट 0.04546 वाला रहेगा। फर्स्ट मैं आपको 60% पार्ट सेल आउट करना है, उसके बाद सेकंड में 40%, 60-40 के रेशो में सेल आउट करना है। आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 40% का हो जाएगा एज अ ट्रेडर जो लोग एंट्री लें। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप एंट्री लेंगे तो शॉर्ट टर्म आपका टारगेट जो 52 से लेके 55 वाला रहेगा, 0.052 से लेके 55 सेल लिमिट लगा कर रखे। जब भी प्राइस वहाँ जाती है अगर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है, अच्छा पंप होता है, तो सिंगल डे में ही उस एरिया को ये ट्राई कर लेगा, या फिर उसके बाद 2 दिन में भी कर सकता है। तो 5-5-2 से लेके 5-5 और लॉन्ग टर्म का अगर आपका पर्सपेक्टिव है तो ये कॉइन आपको मिनिमम 8-10 मंथ के अंदर 20 सेंट से लेके 24 सेंट तक देखने को मिल जाएगा 1 ईयर के अंदर। वहाँ पर ट्रेड करता हुआ 30-35 को ट्राई भी कर सकता है, या 50 सेंट को ट्राई करके वहाँ से बेक हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन नॉर्मल ट्रेड करता तो आपको 25-22 के अराउंड में देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से हैं ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप के वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्विटर के लिंक है, उनको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें ताकि इस टाइप के रेगुलर अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।